अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX Mentor। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है क्लास नंबर 4 और आज हम पढ़ेंगे क्रॉप टूल। छोटा सा टूल है लेकिन ऑफकोर्स क्लास भी छोटी सी होगी। अब कुछ जो छोटे छोटे से टूल होंगे उनकी मैं क्लासेस छोटी रखूंगा ताकि जल्दी जल्दी से हम आगे बढ़े। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं मैक्सिमम, मुझे बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि सर रोजाना अपलोड करें, मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा बिजी है बच्चे एंड रोज नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम वीडियोस पर वीक करूँ। सो आई बिलीव आप लोगों को ये टूल भी अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं क्रॉप टूल क्या करता है। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है और ये रहा आपका क्रॉप टूल यहाँ पर, राइट। और अगर इस क्रॉप टूल का काम आप लोगों को ये भी पता होगा कि यार अब तक के आप लोग अपने सेलफोन्स पर भी जो तस्वीरें लेते हैं वहां पर भी क्रॉप का ऑप्शन आपके पास आता है। सो इट्स क्वाइट इजी। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सिंपल सा टूल दिया हुआ है जिससे आप अपने इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। नाउ क्रॉपिंग का मकसद क्या है, याद रखिएगा कि आपके इमेज का जो यहाँ बाहर का हिस्सा है ये सारा डिस्कार्ड हो जाएगा। जैसे यहां तक आप पहुंच चुके, जितना आपको चाहिए आपने क्रॉप कर लिया एंड जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे वो फाइनली जो बाहर का एरिया है वो सारा डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब जाया हो जाएगा। ठीक है जी, मैं इसको अंडू कर रहा हूं। सो बाय डिफॉल्ट यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास रेशियो लिखा हुआ है, फिर विड्थ एंड हाइट प्लस इनटू रेजोल्यूशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओरिजिनल रेशियो पे रख दूं, राइट, और ओरिजिनल रेशियो क्या है, एक इसका खास विड्थ है और एक खास हाइट है, वही रेशियो के साथ ये आपको क्रॉप करके देगा। सो अगर मैं इसको छोटा करूं तो देखें प्रोपोर्शनली छोटा हो रहा है, मैं इसको स्क्वायर में या किसी और प्रोपोर्शन में इसको नहीं ला पा रहा हूं। सो फोटोग्राफी में ये वाला ओरिजिनल रेशियो मैं कम से कम बहुत ज्यादा यूज कर रहा होता हूँ, बिकॉज जब मैं कोई तस्वीर लेता हूँ और उसको क्रॉप करने लगता हूँ तो मुझे अपनी इमेज का प्रोपोर्शन आउट नहीं करना होता है, मतलब प्रोपोर्शन मुझे सेम ही रखना होता है। ऐसा ना हो कि हम जब क्रॉप कर रहे हो तो वो थोड़ा सा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए या किसी और प्रोपोर्शन में जाए, बट समटाइम्स जरूरत होती है, अगर आपको वैसे करने की तो वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। नाउ एक और ऑप्शन है स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर पे रखेंगे तो ये आपको सिर्फ हमेशा स्क्वायर ही करके देगा। सी दिस, ये आपके इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत ज्यादा यूज होता है, लाइक स्क्वायर या आपकी फेसबुक की DP, उसमें ये काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड यस, आप लोगों को ये भी पता है कि आपके मोबाइल फोन में भी जो क्रॉप के फीचर्स हैं उनमें ये सारे जो हैं ऑप्शंस दिए होते हैं। नाउ अगर हम इसको वापस लाना चाहें तो आप अपने विड्थ एंड हाइट पे रख लें एंड ये आपका नॉर्मली अब आपको क्रॉप करके देगा। ठीक है, नाउ आप लोग ये सोच रहे होंगे यार मैंने इस छोटे से एक टूल के ऊपर मैंने क्लास क्यों रख दी है। इसमें कुछ छोटी छोटी सी बहुत काम की चीजें हैं वो मैं बहुत ज्यादा बताना चाह रहा हूँ। एनीवेज, मैं यहां से इसको क्लियर कर रहा हूं। एक ऑप्शन यहां पर आ रहा है स्ट्रेटन। अच्छा जी, स्ट्रेटन क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक मैंने दूसरी तस्वीर रखी हुई है, अगर आप गौर से देखें ये फोटो बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा पीछे अगर आप देखें होराइजन जो है, यानी कि आसमान और जमीन जहां मिलते हैं दैट इज होराइजन, वो मुझे स्ट्रेट नहीं दिख रहा। एंड अगर आप चाहें तो इस टूल के थ्रू, मतलब आपने क्रॉप टूल लिया, यहां से ये स्ट्रेटन का आइकन पे क्लिक करें, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। अब आपने आकर के इसके होराइजन पे लाइन फेरनी है, मतलब ये जितना भी तिरछा है जितना भी टेढ़ा है आपने उसी लिहाज से लाइन बनानी है एंड जैसे ही आप छोड़ेंगे ये आपको आपका इमेज स्ट्रेट करके दे देगा। एंड देन फिर आपसे वो पूछ रहा होगा जी एक तरह से ये देखें गौर से रोटेट करने के बाद इसने क्रॉप का ऑप्शन दे दिया कि जी आपका इमेज इतना क्रॉप होने लगा है। सो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो बस एंटर प्रेस करें, ये आपका इमेज स्ट्रेटन हो चुका। सो अगर मैं अंडू करके दिखाऊं तो ये आपका इमेज पहले ऐसा था और अब ये ऐसा है। सो आई बिलीव आप लोगों को ये टूल बहुत ज्यादा काम आएगा। एंड ये मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है, मैं अगर हैंड हेल्ड फोटोग्राफी कर रहा होता हूँ और पता नहीं क्यों कई मतलब ऐसा होता है कि मैं जब तस्वीर ले लेता हूँ बाद में दिखता है ओ ये कुछ थोड़ा सा टेढ़ा आ गया, उसमें ये बहुत ज्यादा काम आता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, इसी में अगर आप आगे चलें तो यहां पर आपके पास कुछ ग्रिड्स दिए हुए हैं। नाउ ये कौन से ग्रिड्स हैं, सी अगर मैं इस इमेज को क्रॉप करने लगाऊं, बाय डिफॉल्ट ये याद रखिएगा कि अगर आपने क्रॉप टूल लिया हुआ है और आपने कुछ चीजें जैसे एक न्यू इमेज के ऊपर आपने जैसे क्रॉप टूल लिया हुआ तो आपके पास ये क्रॉप के हैंडल्स आ रहे होते हैं। अगर फॉर सम रीजन आपने जैसे कुछ चीजें कर ली, जैसे मैंने इसको स्ट्रेटन कर दिया
और एंटर प्रेस कर दिया तो ये आपके क्रॉप के हैंडल्स गायब हो जाते हैं, राइट। सो ये याद रखिएगा कि अगर आपके क्रॉप के हैंडल्स गायब हैं तो आपने दोबारा यू ड्रॉ करना है, ठीक है। ऑलराइट, एक और अच्छी बात यह है कि जो आपने क्रॉप कर दिया है वो आपके यूजली यहाँ पर डेटा मौजूद रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाले इमेज को मैंने यहां से यूं क्रॉप किया था, एंटर प्रेस किया, तो ये मत समझिएगा कि हमारा डेटा चला गया है, बाय डिफॉल्ट आपका वो डेटा यहां पर मौजूद है, आप इसको दोबारा भी ला सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि जी ये डेटा जो एक्स्ट्रा है ये खत्म हो जाए, मतलब एक बार मैंने क्रॉप किया और ये खत्म हो जाए, मुझे मजीद ये डेटा वापस नहीं चाहिए, तो आप यहां से डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स पे चेक लगा दें। अगर ये चेक लगा होगा तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे क्रॉप कर दिया और अब अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा ब्लैंक एरिया आ रहा होगा, ठीक है जी। सो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आप यहाँ देख लें। दूसरी बात कि ये जो क्रॉप्ड एरिया वाला मैं जो बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा एरिया आपके पास रहता है, ये आपकी इसी फाइल में जब तक आपकी फाइल ओपन है तब तक है, या PSD में रह सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये JPEG है और JPEG में ही आपने सेव किया तो फिर ये डेटा चला जाएगा, राइट। सो इस चीज का ख्याल रखिएगा। नाउ नेक्स्ट आपके पास यहां पर आ रहे हैं ये कुछ रूल ऑफ थर्ड वगैरह के जो ग्रिड्स हैं। ये क्या है, समटाइम्स मैं चाह रहा हूं कि जी मैं इस पर बहुत ज्यादा फोकस रखना चाह रहा हूं। हमारे जो डिजाइन की एक थ्योरी वाली जो क्लास है उसमें मैं अभी कुछ अरसे में वो भी दोबारा से कंटिन्यू करना लगा हूं थ्योरी वाली। हमारा एक होता है रूल ऑफ थर्ड। सो रूल ऑफ थर्ड ये होता है कि आप किसी भी इमेज को तीन हिस्सों में अगर डिवाइड कर लें, लाइक एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, राइट। सिमिलरली एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, जैसे हम ये तीन तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो ये जो पॉइंट्स आ रहे होते हैं ये बहुत एक्सीलेंट किस्म के फोकल पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे कोई चीज अगर हो तो वो बहुत अच्छी लग रही होती है। लाइक फोटोग्राफी का एक रूल है, रूल ऑफ थर्ड। एंड या सो समटाइम्स हम क्रॉप करते वक्त ये कर रहे होते हैं कि हम इसको मैं रूल ऑफ थर्ड पर रखना चाह रहा हूँ। एंड जैसे मैंने एंटर किया एंड सीधे ये थोड़ा सा एक अच्छी कॉम्पोजिशन बन जाती है, सही है, इस पे ज्यादा फोकस आने लगता है। सो अगर मैं अंडू करूं तो सेंटर में सही है, मुझे ये फोटो इतनी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं की, ये बहुत अच्छी हो सकती है इसको अगर हम क्रॉप प्रॉपरली करें तो। सो अब ये याद रखिएगा कि क्रॉप में यहाँ पर आपके पास कुछ और भी ग्रेड्स दी हुई हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर इसको क्रॉप करने लगता हूँ तो ये पूरी पूरी ग्रिड दे देता है, आपके पास डायगनल ग्रिड भी आ जाती है, आपके पास ट्राइंगल ग्रिड भी आती है। ये डिफरेंट कॉम्पोजिशन के हैं रूल्स आपकी फोटोग्राफी में। बाय द वे बहुत सारे लोगों को जो एक तलब है गोल्डन रेशियो की वो भी दिया हुआ है, इवन गोल्डन स्पायरल भी दिया हुआ है। सो आप इसके लिहाज से भी क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका गोल्डन स्पायरल पे आ जाएगा, बट अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से यूज करना चाह रहे हैं। सो मैं अभी इस पर इतनी वो नहीं फोकस करना चाह रहा हूँ कि कौन सी ग्रेड आपने यूज करनी है। बेस्ट मैं सजेस्ट करूंगा रूल ऑफ थर्ड्स ही यूज कर लें, ये काफी सेफ है, ठीक है। ऑलराइट, मैंने बिल्कुल ही अंडू कर लिया ये इमेज को और इसमें एक छोटी सी और बहुत काम की सी चीज मैं बताने लगा हूं कि जरूरी नहीं है कि क्रॉप टूल को हम इमेज को छोटा करने के लिए यूज करें, मतलब काटने के लिए। हम समटाइम्स ये चाह रहे होते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा एरिया आ जाए। अब एक्स्ट्रा एरिया से मुराद मुझे ऊपर की तरफ कुछ ज्यादा एरिया चाहिए, हमारे इस इमेज में इतनी जगह नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास ये कैनवस और बड़ा सा हो जाए। सो आप चाहें तो इसको ऊपर ड्रैग कर लें एंड जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये आपके पास ब्लैंक एरिया एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। सो विच इज क्वाइट हेल्पफुल, काफी काम का है। लेकिन एक छोटी अजीब सी बात ये होती है कि हम जब ये एरिया बढ़ाते हैं, राइट, तो अब यहां पर क्या डालें, मुझे यही स्काई चाहिए या कोई, जाहिर है मैं इसकी कॉपी लेकर के ऊपर लगा सकता हूँ, लेकिन फोटोशॉप आपको एक छोटा सा और काम देता है। सो अगर बहुत थोड़ा सा एरिया डालना है तो फोटोशॉप आपको खुद बना के दे देगा। किस तरह से, आपने सिंपली यहां पर चेक लगाना है, यहां पर लिखा हुआ है कंटेंट अवेयर, राइट। और अगर इस कंटेंट अवेयर पे मैं चेक लगा दूं और अब मैं एंटर प्रेस करूं तो देखिएगा एक प्रोसेसिंग वाला ये स्टेटस बार आता है और वो देखें उसने क्या किया कि
आसमान को ऊपर मजीद फिल कर लिया, मतलब इसने खुद कॉपी करके ऊपर बढ़ा दिया। तो सिमिलरली अगर ये नीचे रॉक वाला पैटर्न मुझे चाहिए, या इवन मैं इसको साइड वाइज बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, देखिए वो कंटेंट अवेयर पे अभी भी चेक लगा हुआ है। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, ना एक बात याद रखिएगा, ये इतना परफेक्ट नहीं होता। किसी हद तक फोटोशॉप अपनी पूरी कोशिश करके एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो खुद बना के देता है। सी राइट नाउ बहुत बुरा रिजल्ट आया है, बट यस एटलीस्ट फोटोशॉप ने ट्राई जरूर किया कि हमारे पास एक्स्ट्रा स्काई इसने बना के दे दिया है। ये रॉक वाला पैटर्न हम चले बाद में क्लोन कर लेंगे, क्लोन स्टैम डेफिनेटली हम पढ़ेंगे अभी नहीं, बट यस यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि छोटा सा अगर एरिया आपको बढ़ाना है वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। सी जस्ट लाइक मैंने जैसे ये क्लाउड्स वाला जो पार्ट है ये इसको मैं अगर बढ़ाता हूँ और कंटेंट अवेयर पे ही रखता हूँ, बहुत थोड़ा सा एरिया बढ़ाया तो किसी हद तक ये बहुत अच्छा सा काम कर देता है। बट याद रखें, मैंने पहले ही कहा कोई मैजिक नहीं है, कुछ चीजें रिपीट हो रही होती हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट दिखती हैं और बुरी लगती हैं। और अगर आप गौर से देखें, मैं इनफैक्ट आपको पॉइंट आउट भी करूंगा कि क्या चीज इसमें इस वक्त बुरी लग रही है, वो है ये पार्ट। ये चीज यहां पर भी रिपीट हो रही है और यहां पर भी रिपीट हो रही है। सिमिलरली ये क्लाउड यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। सो ये देखें, ये पार्ट और ये पार्ट। एंड सीरियसली इस तरह की चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिखने लगती हैं। यहाँ पर देखें तो पूरा पैटर्न बना हुआ आ रहा है। ये चीजें थोड़ा सा बुरी लगती हैं कि अगर एक जैसी चीजें सामने आ रही हों। तो इन चीजों का ख्याल रख लीजिएगा कि अगर इस तरह की रिपीटेशन आ रही हो तो फिर हम कुछ और तरीका सोचते हैं, हो सकता है स्काई रिप्लेस कर दें या कुछ और कर लें। बट छोटे केसेस में ये बहुत हेल्पफुल है कंटेंट अवेयर और स्पेशली यहाँ क्रॉप में। कंटेंट अवेयर क्या चीज है ये मैं डिटेल में फिर आपको एक अगली क्लास में बता दूंगा। कंटेंट अवेयर फिल भी होता है हमारे पास, जिसको हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। आज का मेरा टॉपिक सिर्फ क्रॉप पर ही है, राइट। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने जैसे मैंने यहाँ देखा कि ये एसी लेयर पर मैंने सारा काम किया और इतनी सारी चीजें की, और अगर आप अंडू करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप अपने इमेज को वापस पुरानी स्टेट में लाना चाह रहे हैं तो बड़ा सिंपल सा काम है, फाइल पे जाएं और यहां से रिवर्ट कर लें, या कीबोर्ड पर F12 का जो की होता है वो प्रेस कर लें, आपका ये बिल्कुल वहां पहुंच जाएगा जैसे आपने इमेज ओपन किया था। याद रखें ये लास्ट सेव्ड स्टेट पर लाता है। सो अगर आपने कुछ चेंजेस की हैं और सेव कर लिया है तो रिवर्ट करने पर आप में एक तरह से फाइल को दोबारा ओपन कर रहा होता है, राइट। सो समटाइम्स ये काफी हेल्पफुल रहता है, बजाय इसके कि मैं बहुत सारे अंडू करूं। मुझे पता है लास्ट सेव जो मैंने किया था बिल्कुल सही था, मैं सिंपली F12 दबा देता हूं, फाइल हमारी रिवर्ट हो जाती है। आई होप ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप टूल के अंदर ही एक दिया हुआ है पर्सपेक्टिव क्रॉप। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत सी चीज है। पर्सपेक्टिव क्रॉप के लिए मैंने यहाँ पर एक और इमेज खोला हुआ। बाय द वे ये सारे इमेजेस जो हैं unsplash.com, इस वक्त मैं स्क्रीन पर यहाँ लिख रहा हूँ unsplash.com, इस पे जाके देख लीजिएगा, सारे इमेजेस आपको यहाँ से मिलेंगे। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आप इवन जो इमेजेस हैं कमर्शियली यूज कर सकते हैं, फ्री, टोटली फ्री, एंड आई लव दिस वेबसाइट। सो मैं अगर इस वक्त ये इमेज आपको दिखाऊं, इसमें ये जो बुक का ये वाला पेज है, मुझे सिर्फ इस वक्त इसकी तस्वीर चाहिए। मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं कि किसी बंदे के हाथ में है या क्या है। मैं ये पेज बिल्कुल एक पर्सपेक्टिव में आ रहा है, मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके अपने सामने लाना चाह रहा हूँ। सो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। ये देखें, याद रखें क्रॉप टूल के अंदर ही है आपके पास पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप में ये होगा कि आपने सिंपली क्लिक करना होगा कॉर्नर्स पे। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया। अगर गौर से देखें तो एक बड़ी 3D टाइप की ग्रिड बना के दे रहा है आपको, राइट। ऑफकोर्स इसमें इसका थंब आने वाला है बंदे का, बट यस अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही आपने कॉर्नर्स पे लगाया है, जस्ट आप एंटर प्रेस करें एंड डन, ये आपको पूरा इमेज स्ट्रेट करके दे देगा। एंड इनफैक्ट अब आप रीड भी कर सकते हैं बहुत आराम से। ऑब्वियसली ये आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल आपने कोई डॉक्यूमेंट रखा, आपने उसकी तस्वीर ली,
एंड वैसे तो मोबाइल फोन्स में भी अब इस तरह की काफी सारी एप्स है, लाइक कैम स्कैन कुछ स्कैम स्कैनर के नाम से एक मैं ऐप यूज कर रहा होता हूँ। बाहर इस तरह की बहुत सारी एप्स हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करके बिल्कुल स्ट्रेट करके दे देती है, राइट। वैसे तो वही हेल्पफुल है, लेकिन फिर भी अगर आपने अपने किसी और कैमरा से लिए है तस्वीर और डॉक्यूमेंट को आपने बिल्कुल स्ट्रेट करना है, दिस इज द बेस्ट थिंग, राइट। इसमें यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं कि अगर आपने क्रॉपिंग के दौरान अगर इमेज को स्ट्रेट कर रहे हैं या मैन्युअली रोटेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं जी ये तो बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, मुझे वापस पीछे जाना है, तो या तो आप स्केप दबा दें, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि आप क्रॉप से बाहर आए बगैर यहाँ पे अगर आप क्लिक कर लें, ये आपका रीसेट कर देगा क्रॉप बॉक्स, ठीक है, आपका इमेज वापस बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, एंड दैट्स इट। सो अगर आप जब डन कर चुके हो, आपने एंटर प्रेस करने का मूड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एक चेक भी दिया हुआ है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कमिट कर देगा, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा क्रॉप टूल समझ में आया होगा और ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।